अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा है। तो आज की हमारी रेसिपी है बेसन की सब्जी। बहुत लोगों ने नहीं खाया होगा बेसन की सब्जी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बेसन की सब्जी भी बनती है। तो आज हम बनाते हैं बेसन की गट्ठे की सब्जी, जो कि राजस्थानी स्टाइल में है। तो फिर देखते हैं मेरे स्टाइल में कैसे बनती है। तो आ जाइए, इसमें डालते हैं हर चीज़, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। डालते डालते आपको दिखाते हैं। हाँ तो हाँ गाइस, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं। ये मैंने राजेश का लिया है, लाल मिर्च 5 का मिल जाता है, तो 3 दिन अच्छे से चल जाता है, या फिर आप कहो 1 महीने भी चल जाएगा। हल्का सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन ले लेंगे, अजमी करस लिया, अब ऐसे मिला लेंगे। गैस 1 बड़ा चम्मच तेल मिला लेंगे अच्छे से, या फिर आपके पास घी है तो आप घी भी मिला लीजिएगा, मिक्स कर लेंगे। हमने इसको पूरी अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर इसको आटे की तरीके तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना, ज़्यादा मुलायम, मीडियम साइज में गूंथना है, ताकि इसकी छोटी छोटी लोइया जैसी बन जाए। तो आइए इसको हम आटा जैसे गूंद लेते हैं। तो गैस हमने इसको तैयार कर लिया, आटा जैसे इसको गूंथ लिया। देखिए ज़्यादा किनारे किनारे नहीं लगा है, इसका मतलब ये सही से हो गया, इसमें अच्छे से तेल मिल गया है। और आप भी इसमें घी अच्छे से मिलाइएगा ताकि ये नीचे ना चिपके, और इसको लोइया बनाएंगे ऐसे ऐसे करके। उसके लिए पहले हम पानी को डाल देंगे चूल्हे पर उबलने के लिए, तब इसको जाके बनाएंगे इसकी पतली पतली लोई। गाइस हमने इसको पानी में डाल दिया है, पानी डाल दिया उबलने के लिए, तब तक हम इसकी पतली पतली लोइया की जैसे बना लेते हैं। गाइस ऐसे मैं तैयार कर लूंगी लंबे लंबे, पूरे इतनी छोटे छोटे रखूंगी, बड़े बड़े रखूंगी तो फिर टूट निकालने में दिक्कत होगी, इतने बड़े बड़े रखूंगी बस। अब इसको ये हो जाएंगे, पानी गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे पानी में। अब ऐसे कर लीजिएगा पूरा ऐसे। गैस मैं आपको एक टुक करके दिखा देती हूँ, मैंने इतना छोटी सी लोई लिया है, इसको ऐसे ऐसे कर लिया। अब इसको ऐसे ऐसे लंबे लंबे हाथों से लंबे लंबे हाथों से ऐसे कर देना है। अभी तैयार हो गया, ऐसे ही बनाना पूरे। गैस पानी गरम हो गया है, पानी खोल रहा है, हम धीरे धीरे एक एक करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिससे कि हमें समय की देर भी ना हो, हम जल्दी से करें। जब तक तो ये पकेगा तब तो तक हम आटा सान लेते हैं। तो आटा सान लेते हैं, चलते हैं। गैस हमने आटा सान लिया है, डोर तैयार कर ले। अब मैं बनाऊंगी इसके पराठे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं पराठा, 2-3 पराठा बना लेते हैं। गाइस ये खोल रहा है, देखिए ये भी पका नहीं है, अभी पक रहा है, अभी 15 मिनट नहीं हुए, अभी 10 मिनट हुए हैं, इसको 5 मिनट और पका लेंगे। और ऐसे ही ढक्कन रख देंगे ताकि ये अच्छे से भाप के द्वारा पक जाए। तो गाइस मिलते हैं।
सारी करेंगे ऐसे कटिंग, हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, आप उसे देख के बनाना है। चलिए हम इसमें तेल डालेंगे। पहले पकाएंगे, ना साइड में कच्चे रह जाते हैं। हमारे पराठे बनके तैयार हैं। तेल डाल दिया, दो बड़ा चम्मच तेल, दो बड़े चम्मच तेल डाल दिए। जीरा डाल दूंगी, जीरा खत्म हो गया जितना उतना ही डाल दूंगी। तेल चटकने लगेगा, दो प्याज डाल दूंगी, बड़े साइज के दो प्याज है, दो हरी मिर्च है डाल दूंगी। मिला लेते हैं। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं है तो हम टमाटर नहीं डालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। जो सामान घर में है वही सामान से बनाएंगे। बखले मेरा पराठा बन रहा, उसको भी सेक रही हूँ कि वो जल ना जाए। इसको मिला लेते अच्छे से, ये थोड़ा सुनहरा हो गया ऐसे मिलते हैं। गैस ये लाल हो गया है, अब इसमें हम मसाले सब डाल देंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, अच्छे से मिला लेंगे। बेसन का पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। आप इसी स्टेज पे टमाटर भी डाल सकते हो, टमाटर की प्यूरी, तो मेरे पास टमाटर नहीं है तो वैसे ही डाल लेंगे, बना लिया। मसाले थोड़ा पक गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे गट्ठे। मिला लेते हैं। डाल देते हैं बेसन वाला, और आप धनिया पत्ती, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। गाइस हमने इसमें नमक नहीं मिलाया तो मुझे याद आ गया, तो मैं नमक मिला दूंगी सादा मसाला। गाइस ये ऐसे उबल रहे हैं, मिला लेंगे। हाँ तो गाइस आज की मेरी ये रेसिपी थी गट्ठे की सब्जी बेसन की, बन के तैयार हो गया। आप भी खाइए, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। और हाँ गाइस दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।